इज्जत इज्जतदारों की होती है, जो दूसरों के घरों में नकब लगाते हैं ना उनकी नहीं होती। नकब घरों में लगाया जाता है और दिलों में घर किया जाता है, जो मेरी माँ ने मेरे बाप के दिल में किया था, और अफसोस कि बड़ी अम्मी नहीं कर पाई थी वो। इबाद लगता तो यही है, छोटी अम्मी बहुत गुस्से में थी। हाय बेचारी छोटी अम्मी। नासरा बुला के लाओ सबको, फिर हम भी तो देखें इबाद की पसंद, छोटी अम्मी की बहू। आइए आइए छोटी अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे तो रिजा और रोहेल ने बताया, बड़ी हैरत हुई मुझे, ऐसी खुफिया शादी की आपने कि हमें भी इनवाइट नहीं किया, ना को मेहंदी ना बारात, यूं अचानक। जैसे छोटी अम्मी चोरी छुपे हमारे घर में दाखिल हो गई थी ना, ठीक उसी तरह इनकी बहू भी आ गई। क्यों शीमा? वैसे आप हमसे तो जिक्र कर ही सकती थी, ये बात खून है हमारा, आखिर को थोड़ी इंक्वायरी कर लेते, आखिर को उस लड़की से नस्ल चलनी है हमारी, मतलब इबाद तो बच्चा है, आप ही लिहाज कर लेती थोड़ा। शीमा पा बस हो गए खुश? आप उसको क्या कह रही हैं, हमसे बात करें आप, आपने तो खुद ना ख्याल किया, आज तक आपकी वजह से सारे खानदान से बातें सुनते हैं हम, अब ये भी सारे खानदान में बात फैल जाएगी। पहली बात तो ये है कि अब्बू ने अम्मी से मोहब्बत की थी, निकाह करके उन्हें इस घर में लेकर आए थे इज्जत और मोहब्बत के साथ, और ये मेरे बाप की तरबियत और खून का असर है कि मैंने भी एक लड़की से इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता कायम किया और निकाह करके उसे इसे घर में लेकर आया हूं, और ये वही खून है जो आप दोनों की रगों में भी दौड़ रहा है, और खून का असर तरबियत से ज्यादा होता है। ये खून का ही असर है जो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, वरना इन्होंने तो कोई ख्याल ना किया, ना हमारा ना हमारे मरहूम बाप का। डर गई होंगी ना कि असलियत खुल गई तो ऐसे घर में कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा जहां पे खुद किसी ने किसी के शौहर को फंसाया हुआ है। ओके इनफ। और ये मेरी मां की तरबियत का असर है कि मैं आप दोनों की बात का जवाब नहीं देता, बदतमीजी नहीं करता, और मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी मां और मेरी बीवी की इज्जत की जाए। इज्जत इज्जतदारों की होती है, जो दूसरों के घरों में नकब लगाते हैं ना उनकी नहीं होती। नकब घरों में लगाया जाता है और दिलों में घर किया जाता है, जो मेरी मां ने मेरे बाप के दिल में किया था, और अफसोस कि बड़ी अम्मी नहीं कर पाई थी वो। इबाद बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं करता, सिर्फ आप लोगों की बातों का जवाब देता हूं, और इस वक्त भी इनकी बात का जवाब दिया मैंने। बात चले यहां से प्लीज, बाहर चलो। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर, चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियां, सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।